Hello and welcome, guys, to the Current Affairs Show based on the Hindu Well. In Gurgaon, we are having heavy rains. बहुत सारी आपकी बड़ी मात्रा में यहाँ वर्षा हो रही है and सुबह कल रात से ही ये वर्षा हो रही है. So I'm very very क्या बताऊँ, मतलब I'm very concerned कि कब तक खत्म होगा. But क्योंकि हमें ये session complete करना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं. तो पहले से apologies, because हम शायद आपके comments ना देख पाए जितना हम देखना चाहते हैं, और फिर भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपके सारे जो भी हिस्से हैं उनको यहाँ पर कवर आपके सामने कर दें. तो गाइज, शुरू करते हैं, किस बात की देरी है, एंड लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड शुरू करते हैं. बस तो बस एक मिनट हमें दे दीजिए, हम वील स्टार्ट रनिंग विद द शो. तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं. एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ आवर सेट्स गाइस. आइए पहले से शुरुआत करते हैं. तो जो हमारा आज का पहला कोटेशन है, दैट इज इनहेल कॉन्फिडेंस एक्सहेल डाउट. ये हमारा आज का कोटेशन है कि चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में आपके, आप इनहेल करिए कॉन्फिडेंस को और एक्सहेल करिए डाउट को. दैट शुड बी द मोडस ऑपरेंडी ऑफ एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस पर्टिकुलर शो. वेल, इसका जो PDF है वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा. द PDF ऑफ दिस पर्टिकुलर शो शैल बी मेड अवेलेबल वंस द शो इज मेड पब्लिक, एंड तब आप उसको यहाँ पर देख पाएंगे. तब तक मैं फोन भी ऑन कर ले रहा हूँ, तो भाई परेशान ना होने का, चाहे बारिश आए चाहे कुछ आए, मैंने आपसे वादा था कि मैं शो करूंगा, तो आपको थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा. तो एक बार कमेंट में डाल भी दीजिए, येस सर, येस सर, येस सर, वी आर सपोर्टिंग यू, येस सर, वी आर सपोर्टिंग, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हम इस सेशन को शुरू कर चुके हैं. वन सेकेंड. हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं, एंड लेट्स हैव द फर्स्ट इमेज, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आएगी. एंड ये रही आपके सामने द फर्स्ट इमेज, जो कि स्क्रीन पर देख सकते हैं. एनी आइडिया इनका नाम क्या है, वॉट इज हिज नेम? एनी आइडिया गाइस, इनका नाम आपको पता होना चाहिए. इनका दोस्तों जो नाम है, इनका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है. एंड ही हैज वन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर अस इन द एशियन गेम्स. इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, एंड अब ये हमारे लिए इन्होंने फिर से जीता है गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स. ही हैज आल्सो ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड 88.06 मीटर्स का इन्होंने एक जैवलिन थ्रो फेंक किया, जो कि भाला फेंक भी, जिसे हम भाला फेंक भी कहते हैं. तो ये यहाँ पर ये आपके सामने दिया गया है. चलिए इस पे हम आगे बात करें, विल डिस्कस दिस फर्दर, पर चलिए चलते हैं पहले हमारे आज की पहली खबर पे. और ये रही आपके सामने द फर्स्ट ऑफ आवर हेडलाइन गाइस, जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी आप फिलहाल देख पा रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट हेडलाइन, जत्रोफा पास इंडियाज फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट. जत्रोफा जो है उसने जो जत्रोफा एक प्लांट होता है, एक फ्लाव होता है, विद द हेल्प ऑफ द जत्रोफा प्लांट वी आर एबल टू हैव द वेरी फर्स्ट बायोफ्यूल फ्लाइट. Now this particular flight was carried forward by spice jet. उसका जो बम्बार्डी एयरक्राफ्ट था उसके तहत हुआ, एंड इट वॉज फ्रॉम डेली टू देहरादून. देहरादून और दिल्ली के बीच ये आपका हुआ, एंड इसको स्पाइस जेट ने बेसिकली इसको यहाँ पर रन किया, ठीक है. अब इसका ये रहा आपके सामने हिंदू स्टैटिक शॉट, दोस्तों आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे. अब देखिए स्क्रीन पर देख सकते हैं. A blend of oil from Jatropha seeds and aviation turbine fuel propelled the country's first ever biojet fuel powered flight. And ये flight आपकी हुई दिल्ली से देहरादून के बीच, और ये 43 minutes की flight थी. And spice jet का जो bombardier aircraft है उसको use किया गया. Basically अगर हम बात करें Jatropha का English common name है physic nut. और बेसिकली इट इज कन्वर्टेड, द ऑयल ऑफ द जत्रोफा इज कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल टू फ्यूल डीजल इंजन्स. उसके लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है. अभिनव तिवारी, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे भाई बारिश दो दिन से बहुत हो रही है गुड़गांव में, आप तो नवाब निकले. मतलब अगर बारिश हो रही है ऑब्वियसली बात है डिले होगा, तो आज डिले हुआ है इसलिए मैं आपके पास यहाँ पर आया हूँ, और प्लीज समझिए आप लोग, क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है. तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये बनेगा विथ विच प्लांट हैज द स्पाइस जेट launch its first for biofuel flight. The answer is Jatropha, number one.
Number two, the flight was between which two stations, which two airports? The answer will be Delhi and Dehradun. Delhi or Dehradun ke beech aapki ye flight thi, jo ki screen par bhi aap dekh rahe hain. थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि जट्रोफा इज ऑल्सो नोन एज, तो उसका जो आंसर आपके सामने होगा दैट इज फिजिक नट, उसे हम फिजिक नट भी कहते हैं. सो गाइज आई हैव गिवन यू द हिंदी एंड ऑल्सो द इंग्लिश ऑफ दिस हेडलाइन, एंड अगर आपको ये समझ में आया प्लीज कमेंट कर दीजिएगा यस सर यस सर यस सर वी अंडरस्टूड, यस सर हमें समझ में आ रहा है. यहाँ से यही सवाल आपके बनेंगे, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट ऑफ आर हेडलाइंस. एंड उसके लिए ये रहा आपके सामने हमारा नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. उड़ीसा आइडेंटिफाई 5 डिस्ट्रिक्ट्स एज कैटल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स. द स्टेट ऑफ उड़ीसा गाइस, इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस भी किया है, उसने ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है दैट विल वर्क एज कैटल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स. उन्हें हम कैटल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स का नाम देंगे बिकॉज दोज डिस्ट्रिक्ट शैल बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग कैटल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, फ्रॉम आंध्रा, फ्रॉम तेलंगाना, एंड यहाँ जो आपके रीजन्स होंगे वो बालासोर होंगे, मयूरभंज होगा, गजपति होगा, रायगढ़ होगा, कोरापुट होगा. तो अगर बॉटम लाइन आपको यहाँ पर बताएं तो उड़ीसा विल बेसिकली आइडेंटिफाई 5 डिस्ट्रिक्ट, वो 5 डिस्ट्रिक्ट आपके होंगे जिसके तहत इट विल ट्रांसपोर्ट कैटल. आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये जो आपके सामने है, ये भेड़ बकरी है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इनको बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा. इसका ये रहा आपके सामने हिंदू स्टैटिक शॉट्स. अगर आपको इमेज क्लियर नहीं दिख रही है परेशान ना रहिएगा, आपके सामने मैं इसका जो हिंदू स्टैटिक शॉट्स है उसको तो ले ही आऊंगा. इसकी जो हेडलाइन है, एक सवाल आ रहा है फ्रॉम परिणीता, वेल दिस हेडलाइन इज ऑन पेज नंबर 2, 2 नंबर पेज पर ये आपकी हेडलाइन है. अच्छा, तो उड़ीसा हैज आइडेंटिफाइड 5 डिस्ट्रिक्ट एज मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. इन डिस्ट्रिक्ट के नाम दोस्तों आपके सामने दिए हुए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के नाम आप स्क्रीन पर दोस्तों देख भी पा रहे होंगे. डिस्ट्रिक्ट के नाम है बालासोर, मयूरभंज, गजपति, रायगढ़ एंड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. ये इन डिस्ट्रिक्ट्स के दोस्तों आपके सामने नाम दिए गए हैं, ठीक है. और इसका हिंदी दिया हुआ है, उड़ीसा के ने 5 जिलों को प्रमुख मवेशी परिवहन गलियारे के रूप में पहचाना है. जिले बालासोर, मयूरभंज, गजपति, रायगढ़ और कोरापुट जिले हैं जो कि आपके सामने ऑलरेडी हमने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है. ये स्क्रीन पर भी दोस्तों आप फिलहाल देख पा रहे होंगे, ये वो जिले हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है एज दी 5 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने इसका हिंदू एंड स्टैटिक शॉट जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं. इनमें आपका सिमलीपल नेशनल पार्क, बिटर कर्णिका नेशनल पार्क, सतकोशिया जॉर्ज नेशनल पार्क, हदगढ़ नेशनल पार्क, ये सारे के सारे आपके नेशनल पार्क हैं जो कि स्क्रीन पर भी फिलहाल आप देख सकते हैं. उसके अलावा बात करें तो हीराकुड डैम है, जलापुर डैम है, पटोरा डैम है, रेकाली डैम है, ये सारे डैम्स हैं. फिर लेक्स की बात करें तो लेक्स में आपका चिलिका लेक है, अनशुपा लेक है, देन वी हैव द कंजिया लेक, स्क्रीन पर भी फिलहाल आप देख सकते हैं. तो ये सारे लेक्स यहाँ पर आपके सामने बेटर हैं. अच्छा, तो वीडियो अगर नहीं आ रही है तो जरा इसको हम चेंज कर दें, माफ करिएगा. हाँ, तो अब आपके सामने वीडियो आ जाएगी. तो ये आपके डैम्स हैं, हीराकुड डैम, जलापुर डैम, देन वी हैव पटोरा डैम, रिंगाली डैम, ये सारे डैम्स आपके हैं. ये आपके सामने लेक्स भी हैं, चिलिका लेक, अनशुपा लेक, कंजिया लेक, ठीक है. देन वी हैव ये प्लांट्स भी हैं, तलचर का थर्मल पावर प्लांट है, इबका थर्मल पावर स्टेशन है. फिर अगर रिवर्स की बात करें तो रिवर्स में दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है महानदी, ब्राह्मणी, बुधाबलंगा और ऋषिकुलिया, ये रिवर्स हैं आपके सामने, ठीक है. ये पहला सेक्शन है. सेकंड सेक्शन की बात करें तो चंदन यात्रा, दुर्गा पूजा, पूरी रथ यात्रा, डोला पूर्णिमा, देवा स्नान पूर्णिमा, ये वहाँ के फेस्टिवल्स हैं. देन वी हैव द टेम्पल्स गाइड जो स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा, इसको जरा मैं और जूम कर दूँ आपके लिए, और ये रहा और जूम. दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, देन वी हैव कोणार्क सन टेम्पल कोणार्क में, ब्रह्मेश्वर टेम्पल ब्रह्मेश्वर में, देन वी हैव मुक्तेश्वर टेम्पल. मेरी आवाज अब आप सबको क्लियर आ रही होगी, आई होप सब इसको क्लियरली देख पा रहे होंगे. देन परासुरमेश्वर टेम्पल है, राजरानी टेम्पल, ये सी भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा. तो ये आपके टेम्पल्स हैं. सिमिलरली सिटीज की बात करें तो भुवनेश्वर सिटी को हम टेम्पल सिटी के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर अगेन इसको भी हमने मेंशन कर दिया है. आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर। तो ये अगली रही आपके सामने, आप दोस्तों स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। ये आपके सामने बाराबाती स्टेडियम कटक में है, देन वी हैव द कलिंगा स्टेडियम विच इज इन भुवनेश्वर, देन वीर सुरेंद्र साई स्टेडियम जो कि संबलपुर में, ये सारे स्टेडियम आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। दोस्तों अगर हमारा इतनी मुश्किलों के बाद भी आपको समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर यस सर यस सर, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम लगातार आप इस सेशन को देखते रहेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट सेक्शन, माफ करिएगा, हाँ ये आपके सामने नेक्स्ट सेक्शन, वन सेकेंड, यस हाँ। अब हमारी अगली खबर पे चलते हैं और ये रही आपके सामने हमारी अगली खबर, अमरावती बॉन्ड्स लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जो अमरावती बॉन्ड्स हैं उन्हें लिस्ट किया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, ठीक है। इनको जरा एक बार हम और जूम करते हैं आपके लिए, ये हैं वो बॉन्ड्स। तो जो अमरावती के स्टॉक बॉन्ड्स हैं उनको दोस्तों लिस्ट किया गया है, और इसको लिस्ट किया, इसको इस लिस्टिंग में जो सेरेमनी था इसमें रोल बड़ा प्ले किया एन चंद्रबाबू नायडू ने, जिन्होंने रिंग बेल किया फॉर द अमरावती बॉन्ड, उसके लिए इन्होंने उस रिंग को बेल किया जिससे कि अमरावती का जो बॉन्ड है वो आपके सामने वो लिस्ट किया गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, एंड दैट क्वेश्चन इज कि वाई इज दिस बॉन्ड सो इम्पोर्टेंट, ये बॉन्ड न्यूज में क्यों है, ये एक सवाल एग्जाम में आ सकता है। रीजन वाई इट इज इन न्यूज गाइस इज बिकॉज इस बॉन्ड से जो पैसा आएगा, जो बोरोइंग आपकी सरकार करेगी, वो सारा का सारा जो पैसा है वो आपका जाएगा टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अमरावती सिटी। अमरावती सिटी का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए इस बॉन्ड का इस्तेमाल या इसका उपयोग किया जाएगा, इसलिए ये बॉन्ड जारी किया गया है, ठीक है। इसका देखिए अब मैं आपको दिखा दूंगा इसका छोटा करके थोड़ा, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है इसका हमारा स्टैटिक शॉट्स, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। वेल बीबू दत्ता नंदा, बोर मत हो मेरे भाई, बड़ी मेहनत से मैं इसको शो को कर रहा हूँ तो बोर मत हो प्लीज, ओके। द आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी दैट इज दी अथॉरिटी फॉर अमरावती, उन्होंने 2000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी किए हैं, और जिसमें बेसिक ऑफर जो है वो 1300 करोड़ का था और जो ग्रीन शू ऑप्शन है वो 700 करोड़ का था। तो दो चीजें यहाँ पर दोस्तों आपके सामने मेंशन है, पहला कि दे हैव इशूड अ बॉन्ड ऑफर ऑफ 2000 करोड़, जिसमें से 1300 करोड़ आपका नॉर्मल ऑफर था और 700 करोड़ का आपका बेसिक आपका ग्रीन शू ऑप्शन का यहाँ पर ऑफर था, जो कि स्क्रीन पर भी फिलहाल आप देख पा रहे हैं, दैट इज अगेन मेंशनड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। अच्छा यहाँ पर एक और चीज आपको गौर करनी पड़ेगी, एंड दैट इज कि ग्रीन शू ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट इज ग्रीन शू ऑप्शन, ग्रीन शू ऑप्शन जो है बेसिकली वो क्या होता है, इस पर एक सवाल दोस्तों यहाँ पर बन सकता है, तो सवाल आपको समझना भी है और आपको उसको बारे में ध्यान भी देना है। तो देखिए ग्रीन शू ऑप्शन की बात करें तो ग्रीन शू ऑप्शन जो है, ग्रीन शू ऑप्शन बेसिकली गाइज इज एन ऑप्शन विच इज ऑफर्ड व्हेन द बेसिक ऑफर इज ओवर सब्सक्राइब, जब बेसिक ऑफर आपका ओवर सब्सक्राइब होता है, जब जो बेसिक ऑफर को डिमांड बढ़ जाती है तो एडिशनल शेयर्स को जारी किया जाता है, जो एडिशनल शेयर्स हैं उनको हम ग्रीन शू ऑप्शन कहते हैं। देखिए क्योंकि आज मेरे पास टूल्स नहीं है समझाने को आपको, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की आपको कि ग्रीन शू ऑप्शन इज एन ऑप्शन गिवन टू द कंपनी व्हेन देयर बेसिक ऑफर इज ओवर सब्सक्राइब, जब उनका बेसिक ऑफर जो है वो ओवर सब्सक्राइब होता है तो उस समय उस ऑफर को और बढ़ाने के लिए दे ऑफर अ ग्रीन शू ऑप्शन। इट इज अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर एडिशनल शेयर ऑफरिंग, ये एक एडिशनल अरेंजमेंट है स्पेशल शेयर ऑफरिंग के लिए, तो उसके लिए ही ये आपका यहाँ पर न्यूज में है, इसी वजह से इसको यहाँ पर न्यूज में रखा भी गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर यस सर यस सर वी हैव अंडरस्टूड, इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे शो के एंड में। चलिए तो आइए आप दिखाते हैं आपको हम द हिंदू स्टैटिक शॉर्ट्स फॉर आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश की यहाँ पर दोस्तों बात हुई है। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके नाम है कृष्णा पेनेरु गोदावरी, सिमिलरली जो मेन क्रॉप्स हैं आपके यहाँ के उनके यहाँ पर दोस्तों नाम है आपके सामने, इसको और जूम कर दूंगा आपके ताकि आपको और क्लियरली दिखे, हाँ ये रहा आपके सामने। सिमिलरली बात करें मिनरल्स की तो इसे हम रत्न गर्भ कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज रत्न गर्भ, ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम जो आयरन ओर प्रोडक्शन है, जो मैंगनीज ओर है वो यहाँ पर पाया जाता है।
और ओवरऑल आईटी परफॉर्मेंस में ये फोर्थ नंबर पे है इंडिया के अंदर। सो आई अगेन रिपीट गाइस, दिस इज द लैंड स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया क्या क्या चीजें हैं। थोड़ा सा ये इमेज खराब है तो इसमें माफी चाहूंगा, इमेज को आप ढंग से नहीं देख पाए, पर अगली इमेज पर आते हैं। ये रही आपके सामने अगली इमेज। पहले बात करते हैं अब हम अपने डैम्स के बारे में, कौन कौन से डैम्स हैं। तो देखिए कृष्णा रिवर पे वी हैव थ्री डैम्स, वी हैव द श्री सेलम डैम, द नागर अर्जुन सागर डैम एंड द प्रकाशम डैम। ये तीन डैम्स हैं आपके कृष्णा रिवर पे जो कि हैं, जो नियरेस्ट सिटी है यहाँ पर कुरनूल, कुंटूर, इनके पास ये डैम्स हैं और ये ग्रेविटी डैम्स हैं। देन गोदावरी रिवर पे आपके दो डैम्स हैं, द डोलेश्वरम डैम एंड द पोलावरम डैम। ये राजमुंद्री के पास हैं और ये इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगेन रिपीट गाइस, कृष्णा की बात करें तो कृष्णा रिवर पे आपके तीन डैम्स हैं, श्री सेलम, नागा अर्जुन सागर और प्रकाशम। नियर बाय सिटी है कुरनूल, गुंटूर में जो पाई जाती है और ये ग्रेविटी डैम है। फिर सेकेंड जो आपका रिवर है वो है गोदावरी डैम जो कि डोलेश्वरम पे है और पोलावरम पे है। ये राजमुंद्री सिटी में आपकी पाई जाती है, के पास पाई जाती है। देन वी हैव द मचकुंड रिवर विच इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिलेरू, इस पे है लोअर सिलेरू हाइड्रो विच इज नियर बाय विशाखापट्टनम एंड खम्मम। पेनेरू डैम इज नियर बाय नेल्लोर एंड नागावती डैम इज नियर बाय श्रीकुलम। तो ये पांच आपके डैम्स रिवर्स हैं जिनमें आपके करीब 5 से 6 डैम्स मैंने मेंशन करा दिए। अगर समझ में आया प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा यस सर यस सर यस सर वी आर अंडरस्टैंड, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप सबको समझ में पूरी तरीके से ये सारी खबरें यहाँ पर आ रही हैं। और अगर पसंद आ रहा है तो लगातार शो को लाइक करते रहिए। मयंक सक्सेना, मैं पीडीएफ इसका प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही ये शो खत्म होगा वैसे ही। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की। ये रहा आपके सामने दोस्तों नेक्स्ट सेगमेंट, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। फेस्टिवल्स की बात करें तो मकर संक्रांति फेस्टिवल है विच इज ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल। उगादी या उगादी है, माफ करिएगा फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इट इज द तेलुगु न्यू ईयर। एंड वी हैव द वरलक्षी व्रतम, दीज आर द थ्री मेन फेस्टिवल्स ऑफ आंध्रा जो कि स्क्रीन पर भी आप फिलहाल देख सकते हैं। ओके फिर नेशनल पार्क्स की बात करें तो नेशनल पार्क्स में देखिए आपके सामने मेंशन है वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, गुंडला ब्रह्मेश्वरम, कोरिंगा एंड अली सागर डियर पार्क। दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स कम डियर पार्क्स इन द स्टेट ऑफ आंध्रा। और ये एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, गुंडला ब्रह्मेश्वरम, कोरिंगा एंड देन वी हैव द अली सागर डियर पार्क। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज कमेंट में डालिएगा यस सर यस सर यस सर वी आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है नेक्स्ट पे आते हैं, देन लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। बात करते हैं रिजर्व पार्क्स की, तो इनमें नागार्जुन सागर रिजर्व है विच इज अ टाइगर रिजर्व। देन वी हैव द रोला पड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां पर ही आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पाया जाता है। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज ओनली फाउंड आउट इन द रोला पड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन वी हैव द लार्ज, दैट इज द पुलिकट। सो इन टर्म्स ऑफ रिजर्व, इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क, इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वी हैव 3, नागार्जुन सागर, रोला पड्डू एंड पुलिकट, और ये सबके सब आपके आंध्रा में है। फिर बात करते हैं हमारे निकनेम्स की, दोस्तों आपके सामने दिया हुआ है अमरावती का जो निकनेम है, इसको और हम जूम करते हैं आपके लिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ अमरावती का जो निकनेम है वो निकनेम वन सेकेंड यस, अमरावती का जो निकनेम है वो निकनेम है आपका रिवर फ्रंट कैपिटल, इट इज ऑल्सो द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्रा। गुंटूर बेसिकली इज फेमस फॉर चिलीज एंड टबैको। विशाखापट्टनम इज रिफर्ड टू एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, भारत का ये आपका फाइनेंशियल कैपिटल है विशाखापट्टनम। ओके देन वी हैव विजयवाड़ा कॉल्ड एज द ग्लोबल सिटी। तिरुपति स्पिरिचुअल कैपिटल, अनंतपुर जो आपका है वो आपका लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इस पर्टिकुलर स्टेट का। तो ये 6 नाम है जो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, अमरावती, गुंटूर, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति एंड अनंतपुर। ये 4-6 आपके इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, उनके निकनेम मैंने आपके सामने यहाँ पर दे दिए। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों, बात करते हैं अब हम इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की। काफी फेमस टेम्पल्स यहाँ पर हैं जैसे कि वेंकटेश्वरा टेम्पल एंड तिरुमाला विच इज द तिरुपति बालाजी जो कि चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में है, श्री सेलम टेम्पल विच इज इन द कुरनूल डिस्ट्रिक्ट, विनायका टेम्पल कनीपक्कम विच इज अगेन इन द चित्तूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्वयंभू विनायका भगवान है। वीरेश्वरा स्वामी टेम्पल मुरामुल्ला में है, अमरावती टेम्पल गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में, लक्ष्मण नरसिम्हा टेम्पल आपका है नियर द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। तो ये 6 टेम्पल्स हैं जो कि आपके सामने दिए हुए हैं, तिरुपति बालाजी, श्री सलम, विनायका, वीरेश्वरा, अमरावती एंड लक्ष्मी। ये शिवम जायसवाल, इसका पीडीएफ मैं आपको सेशन के बाद में
बाद में आप प्रोवाइड कर दूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट दोस्तों आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, तो इसमें आंध्र प्रदेश सेकेंड मैरिटाइम स्टेट है आफ्टर गुजरात इन टर्म्स ऑफ कार्गो हैंडलिंग। कार्गो हैंडलिंग में ये सेकेंड नंबर पे है गुजरात के बाद, और अगर मैं सही हूँ तो जो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है गुजरात के बाद उनमें से सेकेंड थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश भी आता है, जो कि स्क्रीन पर भी फिलहाल आप देख सकते हैं। एक सवाल आ रहा है फ्रॉम उत्कर्ष, सर आपको इनमें से कितने याद है? मेरे को इनमें से सारे याद है, द रीजन वाई बिकॉज मैं रोज ये शो पिछले 2.5 साल से कर रहा हूँ, तो मेरे को तो याद होंगे ही उत्कर्ष। अगर आप भी लगातार दो तीन महीने देखोगे तो आपको आराम से ये सारे याद हो जाएंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। फिर बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स की। तो उसमें रायल सीमा है सुद्दापा में, वेमागिरी है ईस्ट गोदावरी में, विजयवाड़ा है कृष्णा रिवर पे, देन वी हैव सिमाद्री विशाखापट्टनम में है, और दामोदरम जो है वो नेल्लोर जिले में आपका पड़ता है। सो आई होप यहाँ तक आपने नोट तो नहीं किया होगा, पर एक बार आपने देख लिया होगा, बिकॉज यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़े, एक बार कमेंट्स में डाल दो यस सर यस सर यस सर, लेट्स फोकस नाउ ऑन दी अदर हेडलाइंस, ताकि हम और बाकी खबरों पर भी यहाँ पर फोकस कर पाए। मैं देख रहा हूँ लाइक्स कम आ रहे हैं, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है लगातार लाइक्स करते रहिएगा, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। यस, मेरा जो जीए वाला बैच है अंशुमान, आप अभी भी ले सकते हो, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा store.adda247.com पर। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी अगली खबर की, और ये रही आपके सामने हमारी अगली खबर। इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा इसके लिए। यस, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन्स मस्ट फ्रॉम December 1। December 1 से जो ड्रोन्स का रजिस्ट्रेशन है उसको मस्ट किया गया है। सो अगर इंडिया में आपको ड्रोन्स चलाना है, अगर आपको इंडिया में ड्रोन्स उड़ाने हैं, तो आपको उसके लिए DGCA, दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, आई विल रिपीट गाइस, DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA के लिए से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द DGCA, और ये आपका December 1 से होगा। अब इसकी ये रही आपके सामने हेडलाइन, जो कि स्क्रीन पर भी आपके सामने आ जाएगी। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रोन्स मस्ट फ्रॉम December 1। December 1 से जितने भी आपके ड्रोन्स हैं, ये आपकी स्क्रीन पर देखिए, ड्रोन मैंने दिखा भी दिया था आपको, तो उसके लिए आपको परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन दोनों ही यहाँ पर लेना पड़ेगा। ड्रोन्स आर रिमोटली कंट्रोल्ड एरोप्लेन्स, खुशबू, ड्रोन्स आर रिमोटली कंट्रोल्ड एरोप्लेन्स। अंशुमान, DGCA स्टैंड फॉर डायरेक्टर जनरल फॉर सिविल एविएशन। दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, drones, their operators and pilots will have to be mandatory registered on aviation regulator DGCA's online portal effective from December 1। drones को आप RPA भी कह सकते हैं, जहाँ पर RPA का जो full form है, जो RPA का दोस्तों फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म है आपका रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, ये उसका फुल फॉर्म है। तो उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज, जिनमें सबसे पहली कैटेगरी है आपकी नैनो, जिसका वेट 250 ग्राम से कम होगा। सेकेंड कैटेगरी है आपकी माइक्रो, जिसका वेट 250 ग्राम से 2 kg के बीच होगा। द थर्ड कैटेगरी इज स्मॉल RPA और स्मॉल ड्रोन, द वेट इज बिटवीन 2 and 5, 25 kg, एंड द बिगेस्ट वन इज लार्ज, विच इज मोर देन 150 kg। तो ये आपकी ड्रोन्स हैं जिनको, जो इंडिया में 5 प्रकार के हैं, ठीक है। द स्मॉल एंड द लार्ज ड्रोन्स, दैट इज बिटवीन 2 and 25 kg, या बिटवीन 2 to 150 kg एंड अबव, उनकी मैक्सिमम हाइट जो वो रीच कर सकते हैं, दैट इज 400 feet के ऊपर उनको नहीं जाना है। नैनो ड्रोन जो होंगे, जिनका वेट 250 ग्राम के ऊपर है, दे शुड नॉट फ्लाई बियॉन्ड 50 फीट फ्रॉम द ग्राउंड, एंड माइक्रो के लिए कहा गया है कि वो 200 फीट से ज्यादा नहीं जाएंगे। तो गाइस इन अ नटशेल मैं आपको बताऊं, तो बहुत ही सिंपल सी यहाँ पर खबर है कि ड्रोन्स अगर आपको उड़ाना है, इफ यू वांट टू फ्लाई ड्रोन्स, और इफ यू वांट टू बेसिकली आर एन ऑपरेटर ऑफ ड्रोन्स, देन फ्रॉम December 1 यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फ्रॉम DGCA, नंबर 1। Number 2, drones are of 5 types, nano, micro, small and large. For small and large drones, they have the permissible limit is up to a maximum height of 400 feet. For nano, it is up to 50 feet. For micro, it is within 200 feet from the ground level. ये उनकी यहाँ पर लिमिट दी गई है। इसका दोस्तों हिंदी मैंने आपको दे दिया है। ड्रोन उनके ऑपरेटरों और पायलटों को 1 दिसंबर को प्रभावी विमानन नियामक DGCA के ऑनलाइन पोर्टल को अनिवार्य रूप से पंजीकृत यहां पर करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये आपको क्लियर हो गया है स्क्रीन पर,
तो जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर वी हैव अंडरस्टूड, यस सर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम आगे बढ़ें, जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे दोस्तों हेडलाइन है वो ये रही आपके सामने, इसको जरा मैं और जूम कर दूंगा आपके लिए, ये रही आपके सामने वो हेडलाइन, यूएस मेक्सिको रीच डील ओवर नाफ्टा। जो यूएस मेक्सिको है दे हैव अग्रीड ऑन अ डील नाफ्टा। नाफ्टा एक बेसिकली डील है जो यूएस कनाडा और मेक्सिको के बीच होती है, तो उसको फाइनली अग्री किया गया। दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस अ डील विच विल रिप्लेस नाफ्टा, मतलब नाफ्टा जो डील था विच इज अ डील बिटवीन कनाडा यूएस एंड मेक्सिको, उस नाफ्टा को रिप्लेस करने के लिए मंजूरी मिल गई है फ्रॉम मेक्सिको। सो मेक्सिको विल रिप्लेस द नाफ्टा विथ यूएस, एंड अभी कनाडा से भी बातचीत इसके लिए चल रही है। सवाल आएगा सर नाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है, नाफ्टा का फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो आइए दिखाते हैं आपको इसके बारे में विशेष जानकारी क्या क्या है, और ये रही आपके सामने स्क्रीन पर, इसको थोड़ा और जूम इन करना पड़ेगा, और ये रहा आपके सामने जूम इन, देखिए स्क्रीन पर आ गया। The United States and Mexico reached a deal on Monday to replace the North American Free Trade Agreement, NAFTA. The deal would require 75% of auto content to be made in US and Mexico, up from the current level of 62.5%. मतलब जो एक ऑटो कॉन्टेंट है, जो एक कंटेंट बनेगा, वो कंटेंट आपका 75% बनेगा US में और मेक्सिको में, और अभी जो आपका एक लेवल था वो था 62.5%। यहाँ पर दोस्तों नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और दिस अग्रीमेंट हैज बीन साइन बिटवीन कनाडा मेक्सिको एंड यूएस, और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था आपका जनवरी 1994 में। तो पॉसिबिलिटीज बढ़ गई है कि इसको अब कंप्लीटली रिप्लेस किया जाएगा, बिकॉज यूएस एंड मेक्सिको हैव अग्री टू रिप्लेस इट, एंड कनाडा भी आपका रिप्लेस करेगा। एक सवाल आ रहा है फ्रॉम शुभम गोयल सर, किस चीज को रिप्लेस करेंगे, तो रिप्लेस करेंगे हम जो ऑटो कंटेंट है, लिखा हुआ है साफ साफ, जो ऑटोमोबाइल कंटेंट है उसको बेसिकली रिप्लेस किया जाएगा। ये आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है जो स्क्रीन पर भी आप फिलहाल देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको अगली खबर। अगर यहाँ तक क्लियर है आप सबको, एक बार जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा यस सर इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये रही हमारी अगली खबर। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे चार फोटोज हैं, ये हमारे विनर्स हैं जो कल जीते हैं, इनके बारे में डिस्कस हम आगे भी करेंगे, पर ये चार विनर्स हैं जो कि स्क्रीन पर आपके सामने। आरबी अगर आपको समझ में नहीं आया तो इतना याद रखना, नाफ्टा इज एन अग्रीमेंट बिटवीन यूएस मेक्सिको एंड कनाडा इन विच दे हैव रिप्लेस, वो उसको रिप्लेस बेसिकली यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं चार लोग हैं, चार फोटोज हैं, द फर्स्ट बीइंग नीरज चोपड़ा, ही हैज वन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल, द फर्स्ट एवर मेडल इन फैक्ट इन जैवलिन थ्रो। देन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये नीचे वाली जो इमेज है जिसको मैं अपने मार्कर से भी मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, ये इमेज है स्टीपल चेस की, जहाँ पर सुधा सिंह ने जीता है हमारे लिए मेडल, एंड देन वी हैव नीना वरकाई हु हैज वन अ सिल्वर इन द वुमेन्स लॉन्ग जंप, और आखिरी में है धरुण आयास्मी हु हैज वन द सिल्वर, उन्होंने भी सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है। तो इसको हम डिस्कस आगे करेंगे, बिकॉज मैंने आज एक लिस्ट प्रिपेयर की है, आई हैव बेसिकली प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, and that list will provide you the latest update on all the medal winners. तो मैं आपको वो provide करूँगा आज ही इस PDF में, तो तभी हम उसको discuss करेंगे, इसलिए मैं John Stewart में इसको zoom नहीं कर रहा हूँ, because हम इसको discuss करेंगे in the next session, ठीक है। तो उसका अभी wait करिएगा, और उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिख दो एक बार कमेंट्स में यस सर, बिकॉज वो जो लिस्ट मैं डिस्कस करूंगा वो कंप्लीट एक एग्जॉस्टिव लिस्ट होगी कल तक की, ओके। चलिए बाकी अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहेगा सेशन को। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये इमेज, एक स्क्रीन पर आपके सामने आ रही होगी, ये इमेज है ज्योति चांद की, एंड शी हैज सफर्ड लॉट, एंड शी वाज डिस्क्वालिफाइड इन द प्रीवियस डेज, एंड अब ये जो है इनको 1.5 करोड़ का कैश प्राइज दिया है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट। द रीजन इज बिकॉज शी हैज वन
the silver medal in the women's 100 meters. Women's की जो 100 meters है उसमें इन्होंने जीता है silver medal, क्योंकि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं. तो she has been won the silver medal in the 100 meters finals. और इनको कैश प्राइज मिला है 1.5 करोड़ रुपीस का, ठीक है, फ्रॉम द ओडिशा गवर्नमेंट. याद रखिएगा, ब्यूटी चांद इज फ्रॉम द स्पोर्ट्स ऑफ एथलेटिक्स एंड शी हैज वन द सिल्वर मेडल इन द 100 मीटर्स. वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, गूगल का जो होता है डूडल. नाउ व्हाट इज डूडल गाइस? डूडल इज बेसिकली डिपिक्शन व्हिच गूगल डज एवरी डे ऑन इट्स ऑफिशियल सर्च इंजन. तो गूगल डूडल जो है उस पर इस बार जो इमेज आई है वो इमेज आई है ऑफ द लेजेंडरी डोनाल्ड ब्रेडमन की इमेज आई है. द रीजन वाई, बिकॉज उनकी 110th बर्थ एनिवर्सरी थी, 110वीं बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, इस वजह से उनकी यहाँ पर इमेज आपके सामने आई है कि द क्रिकेट लेजेंड डोनाल्ड ब्रेडमन हैज बेसिकली उन्होंने इस इमेज को यहाँ पर उनकी इमेज को यहाँ पर लगाया गया है बिकॉज उनकी 110th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर आपकी थी. डोनाल्ड ब्रेडमन प्लेड 52 टेस्ट, 52 टेस्ट उन्होंने खेले थे एंड ही स्कोर्ड अराउंड 6,996 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 99.94, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ही रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एवर, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है. जी बिल्कुल, अगर आप लाइक करेंगे मेरे शो को तो मुझे पता चलेगा कि आपने लाइक किया है, ठीक है. चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको हमारी अगली खबर. ये रही आपके सामने हमारी अगली खबर, इसको जरा मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ ताकि आपको दिख जाए. ये रहा आपके सामने, चाइना में स्क्रैप लिमिट ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने बच्चा पैदा करें. ये लिमिट तो इंडिया में होना जरूरी है, पर ये चाइना जो है वो इस लिमिट को स्क्रैप करने की बात की गई. देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, चाइना अपीयर्स पॉइज्ड टू स्क्रैप द लिमिट ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन कपल्स कैन हैव. द स्टेट रन न्यूज़पेपर ऑन मंडे साइटिंग टू हैव अ सिविल कोड, जो कि इस पॉलिसी को बंद कर देगा. तो चाइना के अंदर जो एक पॉलिसी थी कि दो ही बच्चा आप कर सकते हैं, वो पॉलिसी को शायद वो आगे चलकर हटा देगा. देखिए पहले पॉलिसी आपकी थी वन चाइल्ड, एज इन सिंस 1979 द पॉलिसी वॉज वन चाइल्ड, पर अब इस लिमिट को दो चिल्ड्रन कर दिया गया है. और अब हो सकता है कि इसको भी किया जाए, इंडिया में तो होना चाहिए, हम दो हमारे एक होना चाहिए ताकि इस भैया पॉपुलेशन ना बढ़े. बिकॉज एक रिपोर्ट आई है कि 2050 तक इंडिया विल हैव 25% मोर पॉपुलेशन देन चाइना, 25% से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की होगी 2050 तक, जो कि बहुत ही शॉकिंग डेटा है जो कि स्क्रीन पर जो कि हम समझ रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको अब हमारी अगली खबर पे. दोस्तों जो हमारी अगली खबर है वो फोकस करेगी एशियन गेम्स में. तो अब वो समय आ गया है जब हम आपको डिस्कस करेंगे कि आज कितने मेडल्स हमने जीते हैं और कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इंडिया को प्राउड फील किया है. तो क्या आप सब तैयार हैं? बिकॉज नाउ वी विल डिस्कस द मेडल विनर्स जो कि इंडिया से हैं. तो एक बार जरा कमेंट्स में डाल दीजिएगा, यस सर यस सर यस सर वी आर रेडी, बिकॉज ये मेडल विनर्स अपडेटेड है. तो आइए दिखाते हैं आपको एशियन गेम्स की कंप्लीट मेडल टैली आज तक की, आज सुबह तक जितने मेडल जीते हैं, आज सुबह नहीं कल रात तक जितने मेडल जीते हैं उनको हम आपके सामने यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं. तो ये रहा दोस्तों आपके सामने सबसे पहला, बजरंग पुनिया वन एज द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स. एशियन गेम्स में 65 kg कैटेगरी में उन्होंने हमें जिताया था गोल्ड मेडल नंबर वन. देन अपूर्वी चंडेला एंड रवि कुमार दे वन एज द फर्स्ट मेडल. देखिए तो फर्स्ट गोल्ड मेडल था बजरंग पुनिया का और जो फर्स्ट मेडल था इंडिया का दैट वॉज अ सिल्वर दैट वॉज वन बाय अपूर्वी चंडेला एंड रवि कुमार. तो अगर सवाल यहाँ पर बनता है, अगर सवाल ये बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग वन एज द फर्स्ट मेडल, तो आंसर होगा अपूर्वी चंडेला एंड रवि कुमार. अगर सवाल बनेगा who won us the first gold medal in Asian Games, तो उसका आंसर होगा बजरंग पुनिया. तो फर्स्ट मेडल में आपका आंसर होगा अपूर्वी चंडेला रवि कुमार और फर्स्ट गोल्ड में आपका आंसर होगा बजरंग पुनिया. तो ये चीज एक बार देखिएगा. फिर बात करते हैं थर्ड, लक्ष्य सेन. लक्ष्य जो है उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल मेन्स ट्रैप में, ये हमारा थर्ड मेडल था सिल्वर मेडल इन मेन्स ट्रैप. देन सेकेंड शूटिंग मेडल जीता था दीपक कुमार ने, जिन्होंने जीता था सिल्वर
शूटिंग में, तो ये सेकंड मेडल था. विनेश फोगाट, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर टू वन अ गोल्ड मेडल एट इन द 50 kg कैटेगरी. 50 kg कैटेगरी में उन्होंने जीता था गोल्ड मेडल. वो पहली महिला रेसलर थी जिन्होंने जीता गोल्ड मेडल हमारे लिए. उनका नाम विनेश फोगाट है. उनके जो कोच उनका नाम है महावीर सिंह फोगाट, जो कि जो दंगल गर्ल्स हैं उनके भी वही कोच हैं. फिर दिव्या काकरान की बात करें तो दिव्या काकरान वन एज द फर्स्ट मेडल, वन हर ब्रॉन्ज मेडल. उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल 68 kg कैटेगरी में और इंडिया को पहला मेडल मिला. एक नया स्पोर्ट है जिसको इंडिया के बारे में लोग काफी कम जानते हैं, उस स्पोर्ट का नाम है सिपैक टकराव. तो उसमें भी इंडिया को फर्स्ट मेडल यहां पर मिला. फिर आठवीं बात करें तो शूटर संजीव राजपूत, उनको मिला थर्ड सिल्वर मेडल इंडिया की तरफ से शूटिंग में और उन्होंने जीता सिल्वर मेडल इन द मेंस 50 m राइफल थ्री पोजीशन. 50 m राइफल थ्री पोजीशन में उन्होंने जीता सिल्वर मेडल और इनका नाम है संजीव राजपूत. ठीक है, ओके. उसके बाद 16-year-old सौरभ चौधरी हैं, इन्होंने जीता गोल्ड मेडल जो कि 16 वर्ष के हैं. ही वन द गोल्ड मेडल इन द 10 m एयर पिस्टल इवेंट, उसमें इन्होंने जीता गोल्ड मेडल. एंड देन वी हैव सौरभ कंपैटिबल अभिषेक वर्मा, जिनको मिला है ब्रॉन्ज मेडल जो कि उन्होंने जीता है इन द सेम इवेंट, मतलब 10 m एयर पिस्टल में सौरभ चौधरी को मिला गोल्ड और 10 m एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा को मिला ब्रॉन्ज. ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया. ये टॉप 10 आपको क्लियर है, एक बार कमेंट्स में डाल दो. सौरभ दास मेरे भाई, में जिगर के टुकड़े, मैं PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा जैसे ही शो ओवर होगा. तो उससे पहले दोस्तों मुझे 1000 लाइक्स वीडियो पे चाहिए. तो जो जो लोग देख रहे हैं वो लगातार शो को लाइक करते रहें और 1000 लाइक्स तक शो को पहुंचाएं. तो दोस्तों आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा. प्लीज कमेंट कर दीजिए यस सर. चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 18 विनर्स की. तो इनमें संतोष कुमार ने जीता 56 kg में, सूर्य भान प्रताप सिंह ने जीता 60 kg में और नरेंद्र अग्रवाल ने जीता 65 kg में. इन तीनों को ही मिला ब्रॉन्ज मेडल इन 56, इन 60 एंड इन 65 kg. इन तीनों को मिला ब्रॉन्ज मेडल. फिर इंडिया ने वुशू में भी जीते हैं 4 ब्रॉन्ज मेडल. तो याद रखिएगा कि वुशू में भारत को मिले हैं 4 ब्रॉन्ज मेडल. ठीक है, फिर राही सरनाबोध, शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन शूटर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन गेम्स. पहली जो महिला वुमन शूटर जिनको गोल्ड मेडल मिला उनका नाम है राही सरनाबोध. उन्होंने जीता गोल्ड मेडल इन द 25 m पिस्टल इवेंट, वहां पर शी वन अस द गोल्ड मेडल, याद रखिएगा. फिर अंकिता रैना जो कि एक लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्होंने जीता हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल लॉन टेनिस में. और शार्दुल विहान, ही अर्न द सिल्वर मेडल इन द डबल ट्रैप, इनका पहला इवेंट था ये और इन्होंने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल जीत लिया. फिर इंडिया की जो मेंस कबड्डी टीम है उसने जीता उसने मेंस की कबड्डी टीम में जीता ब्रॉन्ज एंड विमेंस कबड्डी टीम जीता सिल्वर. जो आपका लाइव जो आपका यूट्यूब जो आपका फाइनल्स था, फाइनल्स में इंडिया को हराया ईरान ने विमेंस में, और सेमीफाइनल्स में इंडिया को हराया ईरान ने मेंस में. तो मेंस में जीता ब्रॉन्ज एंड विमेंस जीता हमने सिल्वर. और ये पहली बार है पिछले करीब 25-30 सालों में स्टार्टिंग से ही कि हमने गोल्ड मेडल नहीं जीता है इन कबड्डी. तो ये बहुत ही शॉकिंग बात थी हमारे लिए. फिर प्रजनेश गुणेश्वरम, ही वन अस द सिल्वर मेडल इन द टेनिस सेमीफाइनल इन द टेनिस. तो लॉन टेनिस में सिंगल्स में मिले हमें ब्रॉन्ज, मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल्स. 1-2 अंकिता रैना एंड 2-2 प्रजनेश गुणेश्वरम, दोनों को ही मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल्स. फिर हीना सिंधु, शी वन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 10 m एयर पिस्टल में, उन्होंने जीता इस बार हमारा ब्रॉन्ज मेडल. तो ये टॉप 18 था, अभी खत्म नहीं हुआ है. फिर बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की. ये रहे आपके सामने नेक्स्ट सेक्शन का, तो इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ये सबके सब यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट, सबके सब इम्पोर्टेंट है. कबड्डी टीम सिल्वर, बोपन्ना और दिविज ने जीता हमारे लिए गोल्ड मेडल डबल्स टेनिस में. रोहित कुमार, भगवान सिंह, दे वन अस द ब्रॉन्ज मेडल इन इन द डबल स्कल्स, वहां पर उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल. देन रोइंग टीम ने ओवरऑल जीता 5th गोल्ड मेडल हमारे लिए. तो स्कल्स में मिला ब्रॉन्ज पर रोइंग टीम ने जो 5 की टीम थी उन्होंने जीता हमारे लिए 5th गोल्ड मेडल. देन दुष्यंत चौहान, इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल मेंस लाइटवेट सिंगल स्कल्स में. दीपिका पल्लिकल, सौरभ घोषाल एंड जोशना पय, तीनों ही स्क्वैश के प्लेयर्स हैं. इन तीनों ने ही हमारे लिए जीता है, ये रहे तीनों, इन तीनों ने हमें जीता है हमारे लिए ब्रॉन्ज मेडल इन इन दी स्क्वैश. दो तीनों ही सेमीफाइनल्स में हार गए और इन तीनों को ही मिला ब्रॉन्ज मेडल. ठीक है,
फिर तजिंदर पाल सिंह, इनको इन्होंने जीता हमारे लिए शॉटपुट में गोल्ड मेडल, जो कि एक एशियन गेम्स का रिकॉर्ड भी था। फुआद मिर्जा, इन्होंने जीता सिल्वर मेडल इक्वेस्ट्रियन में, और इन्हीं की टीम ने टीम इवेंट में भी जीता सिल्वर मेडल। दोनों इवेंट में सिल्वर मेडल मिला, इक्वेस्ट्रियन सिंगल्स में और इक्वेस्ट्रियन टीम में, दोनों में ही यहाँ पर हमें मिला सिल्वर मेडल। और ड्यूटी चांद की बात करें तो इन्होंने जीता सिल्वर मेडल 100 मीटर रेस में, ये भी आपके सामने यहाँ पर मेंशन है। और आखिरी में ये रहा आपके सामने दोस्तों, ये लिस्ट आज की है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूँ बिकॉज ये लिस्ट ऑलरेडी हम एक बार डिस्कस कर चुके हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं अब आपको हमारा आज का मैप स्टडी। आज का जो मैप स्टडी है वो फोकस करेगा नेशनल पार्क्स पे, तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल पार्क्स के बारे में। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे आज के नेशनल पार्क्स पे। तो ये रहा आपके सामने आज के हमारे नेशनल पार्क, ये टॉप 35 नेशनल पार्क्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं बिकॉज अगेन ये आपके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, इन्हीं में से एग्जाम में नेशनल पार्क्स आएंगे। ठीक है, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना एंड पेंच ऑल आर इन एमपी, ये पहले पांच चार कहां के हैं एमपी में। फिर बात करते हैं केरला में, थट्टेकाड, इडुकी, इरवाविकुलम, कुमारकोरम, पेरियार, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स आपके केरला में। फिर बात करते हैं राजस्थान, तो यहाँ सरिस्का, भरतपुर, केलेडियो, नागरहोल, रणथंबोर और सांभर, ये सब के सब आपके राजस्थान में है। देन उत्तराखंड में दो हैं, राजाजी और कॉर्बिट। असम में दो हैं, मानस एंड काजीरंगा। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर दो हैं, एक है संजय गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है माहिम का नेचर पार्क जो कि महाराष्ट्र के अंदर यहाँ पर आता है। ठीक है, फिर दाचीगाम नेशनल पार्क और हेमिस और ट्यू नेशनल पार्क, ये दोनों ही आपके जम्मू कश्मीर में है। चिलका, नंदनकानन जू उड़ीसा में है, सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। कर्नाटका में आपका एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है बांदीपुर नेशनल पार्क। देन कर्नाटका में एक और है दंदेली नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में एक ही है, उसका नाम है दुधवा। गिर जो है वो आपका गुजरात में है। और अगर हम बात करें तो मधुमलाई तमिलनाडु में है, नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, रेणुका हिमाचल प्रदेश में है, सुल्तानपुर हरियाणा में है और सुंदरबन जो है वो आपका वेस्ट बंगाल में है। तो ये टॉप 35 मैंने आपको दे दिए हैं, टॉप 35 को एक बार आप प्लीज देख लीजिएगा जैसे सेशन खत्म होगा, और ये आपके सामने मैंने दिखा भी दिया है। तो गाइज इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट करने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसका PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जाने से पहले ये रहा मेरा आपसे एक कोटेशन, आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई नो माई वीकनेसेस, आई एम ब्यूटिफुल बिकॉज आई एम अवेयर ऑफ माई फ्लॉज, आई एम फियरलेस बिकॉज आई लर्न टू रिकॉग्नाइज इल्यूशन फ्रॉम रियल, आई एम वाइज बिकॉज आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई एम अ लवर बिकॉज आई हैव फेल्ट हेट, एंड आई कैन लव बिकॉज आई हैव नोन सैडनेस। तो इसी के साथ दोस्तों अब आपसे मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, इसका PDF आपको 10 मिनट के अंदर इस वीडियो के क्रैश इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज आपका यहाँ पर आने के लिए, और आपकी डिमांड पर चलिए काम कर देते हैं आपके लिए। और ये रहा मैं दोस्तों, थैंक यू सो मच यहाँ पर आपका आने के लिए, धन्यवाद दोस्तों कि आप यहाँ पर आप सब लोग आए, थैंक यू सो मच। एंड कल हम आपसे मिलेंगे अब सुबह 8 बजे, एंड आज का हम जो MCQ है उसको भी प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अभी बारिश खत्म हो गई है, सो आई नीड टू हेड आउट टू माई ऑफिस एंड सी यू सून, बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।